Hello, bacho. Let's discuss this question. The observation of cork cells, as seen by Robert Hooke, was published in the book A. Origin of Species, B. Species Plantarum, C. Micrographia, या D. Genera Plantarum. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल डिस्कवरी को अच्छे से समझना. सेल की डिस्कवरी हुई थी ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा, जिन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू कुछ कॉम्पार्टमेंटलाइज्ड अरेंजमेंट्स की ऑब्जर्वेशन की थी. कॉम्पार्टमेंटलाइज्ड अरेंजमेंट की ऑब्जर्वेशन की थी. यदि हम उसकी ऑब्जर्वेशंस को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह दिखता है. ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर, बहुत ही परफेक्टली अरेंज्ड ऐसे सेल्स इन्हें दिखे. तो ये बाद में पता चला कि ये कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे जो कि डेड होते हैं, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक एक किताब में रजिस्टर किया था. हमें क्वेश्चन में इसी बुक का नाम पूछा गया है. चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. ए. ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, गलत. हमें पता है कि इसे चार्ल्स डार्विन ने लिखा था. बी. स्पीशीज प्लांटेरियम, ये भी गलत है. इसे लिनियस ने लिखा था. सी. माइक्रोग्राफिया, सही लग रहा है. डी. जेनेरा प्लांटेरियम भी गलत, उसे भी लिनियस ने ही लिखा था. हेंस द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, माइक्रोग्राफिया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. All the best.